हेलो दोस्तों, राधे राधे, प्रणाम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और दोस्तों अभी हम आए हुए हैं यहाँ पर, देखिए दोस्तों अभी हो रही है बारिश और हम आ गए हुए हैं अपने बड़े वाले पापा के वहाँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये रहा हमारे बड़े वाले पापा का घर, ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। और अभी दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि हम अपने फ़ोन से वीडियो नहीं शूट कर रहे हैं, ये हमारे अनूप दद्दा का फ़ोन है। तो ये दोस्तों 25,000 के लिए थे, तो अभी इधर आए हुए थे तो हमने सोचा कि चलो अनूप दद्दा के ही फ़ोन से हम वीडियो बना लेते हैं। तो यहाँ पर है हमारे अनूप दद्दा। तो दद्दा इधर राधे राधे बोल दो। हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो अभी दोस्तों हम और हमारे सुहावन दद्दा और दोस्तों इधर आए हुए हैं इस तरफ टहलने के लिए। दोस्तों आप लोग इधर देख सकते हैं और यहाँ पर देखिए मकई लगी हुई है सब तरफ, दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। और अभी दोस्तों इस तरफ फिर से आ गई थी बाढ़, तो इधर तो भर गया था दोस्तों, लेकिन हमारे उधर दोस्तों दो बार बाढ़ आ चुके हैं, लेकिन हमारे तरफ हमारे वाले सेंटर में दोस्तों नहीं जा पाते बाढ़, और इधर ही बाढ़ रुक जाती है, फिर अपने आप ही नदी टूट जाती है दोस्तों। और ये समय तो बहुत ही ज़्यादा नदी टूटी हुई है दोस्तों। हम गए हुए थे 4-5 दिन पहले, हम और हमारे सुहावन दद्दा और अनूप दद्दा और हमारे मामा का साले साहब, तो इतने लोग गए हुए थे दोस्तों वहाँ नदी के किनारे पर। तो वहीं से तुरंत चले आए थे, सिर्फ फ़ोटो वोटो खींचने गए हुए थे। ये हमारे अनूप दद्दा का जो फ़ोन है ना, तो कह रहे थे कि चलो फ़ोटो खींचने चलते हैं, इसमें कैमरा बढ़िया आता है, तो चलो नदी के किनारे चलते हैं फ़ोटो खींचने के लिए। तो उसी लिए दोस्तों हम सभी लोग उधर वहाँ पर गए हुए थे। तो ये देखो दोस्तों यहाँ पर, ये इसमें तो बाली वाली भी लग गई है, छोटी छोटी है ना दद्दा। और पिछला साल तो आपके वहाँ भी ये मकई बोई गई थी, और इस बार बोई गई है क्या? हाँ बोई गई है। अच्छा, कितनी दूर में? 7 बीघा। अच्छा, कहाँ पर? गांव के पास में कि कहीं दूर? गांव के पास में। अच्छा, तो दोस्तों पहले हमारे ये अनूप दद्दा हमारे क्या नाम है सुहावन दद्दा, तो इन्होंने बोया था, तो इनके गांव के थोड़ा आगे था, लेकिन अभी इनके गांव के पीछे है ना और करंट वाला तार भी लगा हुआ है इसमें, लेकिन अभी मशीन खराब हो गई थी, है ना, बनवा लिए। हाँ बनवा लिए। और देखिए दोस्तों यहाँ पर कितनी दूर हम सभी लोग चले आए हैं। और अभी आप लोगों को दोस्तों हम इधर दिखाते हैं कि यहाँ पर एक करंट वाला तार कैसे चलाया जाता है। तो वहाँ पर देखिए दोस्तों रखे हुए प्लेट, और पता नहीं वो मशीन कहाँ पर रखी हुई है, वो सटान पे रखी होगी। और ये देखिए ये देखिए करंट वाला तार लगा हुआ है, और इस वाले खेत में भी करंट वाला तार लगा हुआ है दोस्तों। और देखिए अभी बिल्कुल गाँव के बाहर आ चुके हैं हम सभी लोग, ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। और अभी दो बार बूंदाबांदी बारिश हो चुकी है, और अभी भी देखिए धूप भी खुली हुई है, और थोड़ा थोड़ा बादल भी दिख रहा है ना दिख रहा है। और काफ़ी देर हो गई है हम लोगों को इधर आए हुए, लेकिन अभी अनूप दद्दा के घर थे, तो उसके बाद में गए हम मामा के वहाँ, ये हमारे एक रिश्ते में मामा लगते हैं मुकेश मामा, तो उनके वहाँ थोड़ी देर बैठे, फिर हम सोचे कि चलो अभी वीडियो बना लेते हैं। तो और ये देखिए ये क्या लगा हुआ है, धान लगा हुआ है। अच्छा, धान लगा हुआ है, ज़्यादा दूर है इसमें घास। और दोस्तों हम तो जानवर नहीं पाते कि घास है कि क्या है, क्योंकि दोस्तों ना ही हम कभी घास छीनने गए हुए हैं, और सिर्फ 4-5 बार बकरियां चराए हुए हैं अपनी जो हमारे पास हैं इस समय। और दोस्तों आप लोगों को एक बात और बता दें कि अभी इस समय हमारे सुहावन दद्दा फ़ोटो एडिटर बन चुके हैं, क्योंकि बढ़िया फ़ोटो अभी इस समय एडिट कर लेते हैं, और थोड़ा और सीखेंगे तो, और RDXY की तरह ये अभी एडिटिंग करना चाहते हैं ना। अभी हमारा और अपना फ़ोटो एडिट करके पास में ही जोड़ दिए थे, तो फेसबुक पे रील डाले थे ना। हाँ डाले, तो बहुत ही अच्छा लगा हमको। तो दोस्तों इस वीडियो को पर एंड करते हैं, आई होप कि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू।